please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई में फेरी वालों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा सकती है. बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका के मुताबिक फेरी वालों को अब महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा. नेशनल हॉकर्स पॉलिसी 2014 के मुताबिक अब तक सिर्फ पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड ही अनिवार्य था, लेकिन अब बीएमसी ने फेरी वालों के लिए महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया है. फेरी वालों का आरोप है कि बीएमसी का ये नया आदेश उत्तर भारतीयों की रोजी रोटी छीनने के लिए दिया गया है. बीएमसी के इस आदेश का असर करीब 90% फेरी वालों पर पड़ सकता है. 2017 का जीआर में अभी नया जब हमको मिलने के गए थे कि भाई अभी तक हमारा काम नहीं हुआ क्यों किस लिए, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा काम 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन उसमें अब जो तुमने उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किया है इसके ऊपर और एक तुमको डॉक्यूमेंट जैसे डोमेस्टिक लाइसेंस जमा करना पड़ेगा, तो ही आपको महानगर पालिका ये महाराष्ट्र का रहने मुंबई का रहने वाला समझ पाएगी और तुम्हारा कागज़ अगर सही रहेगा तो आपको कहीं जगह दे सकेगी. डॉक्यूमेंट्स तो पहला मैडम तो ऐसे ही राशन कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह मांगा था और जो चार्ज मारे लिए पावती या बीएमसी में माल गया है तो उसका पावती, तो अभी जो डॉक्यूमेंट्स निकला है तो अभी बहुत लोगों के पास होगा नहीं कि कहाँ से लेके आएंगे. गरीब लोग जो रोज़ में 200 रुपये कमाने वाले हैं, जो 200 रुपये के लिए भी जिक करते हैं, कोई आता है तो माल उठा कर लेकर चला जाता है, तो घर में तो कोई कोई भूखा भी सो जाता होगा, तो वैसे लोग कहाँ से लाएंगे. आज इस मुंबई शहर में जो भी बाहर से आते हैं और कहीं भी ठेला लगाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत तो रोक लगनी चाहिए. इसलिए ये जो परिपत्रक अगर प्रशासन ने निकाला है और हमें आज ये मालूम पड़ा कि प्रशासन इस तरह का परिपत्रक जो जारी कर रही है, तो अगर ऐसा कुछ कर रही है तो वो बहुत अच्छी बात है, जिससे मुंबई के नागरिकों की जो तकलीफ है वो भी दूर होगी.